बाहुबली के लिए डर रहे हो क्या? जब तक तुम मेरे साथ हो मुझे मारने वाला पैदा नहीं हुआ मामा। क्या बिज्जल देवा अभी भी जिंदा है? कैसे बाहुबली 3 में वो अपने बेटे की मौत का बदला लेंगे? इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। आज हम बात करने वाले हैं इंडियन सिनेमा की वन ऑफ द बिगेस्ट मूवी फ्रेंचाइजी बाहुबली के बारे में। रिसेंटली KGF चैप्टर 2 ने अपने 6th डे पे न सिर्फ RRR के रिकॉर्ड को तोड़ा, बल्कि साथ ही साथ बाहुबली 1 की लाइफ टाइम कलेक्शन के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया था। बाहुबली 2 का रिकॉर्ड तो शायद ही कोई मूवी तोड़ पाए, लेकिन अगर बाहुबली 3 आती है तो डेफिनेटली वो रूल करेगी ही। अगर हम बाहुबली 2 द कंक्लूजन की स्टोरी लाइन के बाद से कंटिन्यू करते हैं, तो प्रेजेंटली महेंद्र बाहुबली नए राजा हैं, देवसेना नई राजमाता बन चुकी है, वहीं कटप्पा अपने सेनापति की ड्यूटी को दोबारा कवर करेंगे। नेगेटिव कैरेक्टर में कोई वेल एस्टैब्लिश्ड अभी मौजूद नहीं है, यानी कि बाहुबली 3 में मेकर्स को एक नया विलन एस्टैब्लिश करना होगा। लेकिन आप तो एक कीन ऑब्जर्वर अगर हैं, तो आपने ये चीज को जरूर नोटिस की होगी कि महेंद्र बाहुबली न सिर्फ भल्लाल देव को मारते हैं, बल्कि उनके बेटे को भी मार देते हैं। लेकिन वो एक शख्स जिसने एक्चुअल में अमरेंद्र बाहुबली को मारने की प्लानिंग की थी, वो अभी भी जिंदा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भल्लाल देव के पिता बिज्जल देव की। बाहुबली 2 के क्लाइमेक्स सीन पूरी तरह से भल्लाल और बाहुबली के फाइट पर निर्धारित रहता है, लेकिन बृजलाल देव कहाँ गए और वो जिंदा है या नहीं, इसके बारे में हमें कोई भी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है। तो कहीं ना कहीं वो अभी जिंदा है, और ये देखने वाली बात होगी कि कैसे वो अपने बेटे की मौत का बदला लेंगे, क्योंकि ये तो हम सभी जानते हैं कि आखिर वो कितने ज़्यादा चालाक और दुष्ट थे। उनके दिमाग में हर पल माहिष्मति के नए राजा बाहुबली से बदला लेने की प्लानिंग ही चलेगी, लेकिन उसके लिए बिज्जल देव को माहिष्मति साम्राज्य से जिंदा बचकर निकलना होगा और कहीं और जाकर वापस अटैक की प्लानिंग करनी होगी। आपके अकॉर्डिंग क्या मेकर्स बाहुबली 3 बनाएंगे, और अगर हाँ तो क्या बृजलाल देव फिर से एंट्री लेंगे? अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।